आपका एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स हमारे इस चैनल ऑलराउंडर सिविल इंजीनियर पे। मैं शुरू से बेसिक तरीके से आज वीडियो में बनाने वाला हूँ, जो आज बिल्कुल बेसिक वीडियो होगा मेरा मेज़रमेंट पे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बिल्कुल जो कहीं वर्क कर रहे हैं, सॉरी वर्क नहीं मतलब बिल्कुल फ्रेशर हैं, या फिर अभी स्टडी ही कर रहे हैं, तो उनको ये थोड़ा सा मेजरमेंट में कहीं कहीं प्रॉब्लम होता है। ये नहीं कह रहे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, लेकिन कहीं कहीं प्रॉब्लम होता है। इस पर मैं आज बिल्कुल सिंपल सा बहुत छोटा सा वीडियो आज मैं बनाने जा रहा हूँ, पहला वीडियो। तो फ्रेंड्स, तो सिविल इंजीनियरिंग में मेज़रमेंट का चूँकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, चूँकि किसी चीज़ को भी हमको मेज़र करना होता है, इसलिए हमको मेज़रमेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सिविल इंजीनियरिंग में। तो आइए फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं बेसिक जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है मेज़रमेंट का, वो क्या है? मीटर है। और अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश सिस्टम सिविल इंजीनियरिंग का मेज़रमेंट का यूनिट क्या है? फीट है और इंचेस है। तो हम कई जगह पे क्या करते हैं, मीटर को यूज़ करते हैं, मीटर सेंटीमीटर एमएम को यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन में, और किसी जगह पे क्या क्या यूज़ करते हैं, फीट और इंच को यूज़ करते हैं, और कई जगह पे क्या करते हैं, दोनों को मिला करके यूज़ करते हैं, मतलब कि वो दोनों को तालमेल कर करके कुछ डायमेंशन मीटर में रहेगा, मीटर एमएम में सेंटीमीटर सेंटीमीटर एमएम में रहेगा, कुछ डायमेंशन फीट और इंचेस में रहेगा ड्राइंग में। तो यहाँ पे हमको इन दोनों का तालमेल समझना ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, हम इन दोनों का तालमेल देखते हैं आज। यहाँ पे हम क्या है, मेज़रमेंट का यूनिट देख रहे हैं। तो इसका एक यूनिट क्या है, मीटर सेंटीमीटर एमएम, और दूसरा यूनिट क्या है, फीट और इंचेस। और फ्रेंड्स यहाँ देखिए, फुट का साइन क्या है, ये सिंपल एक मतलब किसी वर्ड के ऊपर जैसे यहाँ लगा दिए हैं यहाँ पे, ये इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 फीट है, 2 फीट, ये 2 फीट। तो फुट का सिग्नेचर साइन ये हुआ, और इंच का साइन ये वाला हुआ, जैसे यहाँ पे हम 24 इंचेस लिखे हुए हैं। तो ये बात पर ध्यान रखना है कि हम इंचेस का साइन क्या होता है, ये वाला इंचेस का साइन होता है, और फीट का साइन क्या होता है, ये वाला फीट का साइन होता है। इसको बिल्कुल ध्यान, चूँकि ये सब सिंपल चीज़ है, देखने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन कई जगह हम कन्फ्यूज कर जाते हैं कि इंचेस का साइन कौन होगा, फुट का साइन कौन होगा। तो एकदम बिल्कुल ध्यान से याद रखिए, ये किस चीज़ का साइन है, फीट का साइन है, फुट का मतलब, और ये इंचेस का साइन है। चलिए हम अब टॉपिक पर आते हैं। तो हमको 1 मीटर स्क्वायर टू कितना फीट होता है, एक बहुत कॉमन सा वर्ड है, लेकिन क्या होता है, हम भूल जाते हैं। कोई एक बैग कुछ लेता है तो हम भूल जाते हैं, कहीं पे ड्राइंग में एक बैग कहीं ज़रूरत पड़ जाता है तो हम भूल जाते हैं। तो इस बात को हमको बिल्कुल बहुत ध्यान से रखना पड़ता है, रखना पड़ेगा। 1 मीटर स्क्वायर टू 3.28 फीट, 1 मीटर स्क्वायर टू 3.28 फीट। इसको 10 बार आप लिख लीजिए कॉपी पे, जो आपको परमानेंटली याद हो जाएगा, क्योंकि अगर आप शुरुआत दौर में है सिविल इंजीनियरिंग के, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब आगे काम करेंगे तो आपको समझ में आएगा इसका इंपॉर्टेंस। तो 1 मीटर इक्वल टू 3.28 फीट। अब दूसरे नंबर पर हम आते हैं, पहला नंबर क्या है, 1 मीटर इक्वल टू कितने फीट होते हैं, 3.28 फीट होते हैं। अब दूसरे नंबर पर आते हैं हम, 1 फीट इक्वल टू कितने मीटर होते हैं, तो 1 फीट इक्वल टू 0.304 मीटर होते हैं। समझ में आ गया, 1 फीट इक्वल टू 0.304 मीटर होते हैं, 1 फुट इक्वल टू 0.304 मीटर होते हैं। ये सबको मतलब मैं ज़्यादा बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, चूँकि आपके माइंड में ये बैठ जाए, चूँकि देखने में बहुत छोटा चीज़ लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिविल इंजीनियरिंग के मेज़रमेंट में। और 1 इंच मतलब 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। ये भी जैसे जिस तरह ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, उस तरह ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो तीन है ये मेन है। और रफली हम क्या करते हैं, रफली ड्राइंग हम रफली इसको यूज़ करते हैं, 25 mm इक्वल टू 1 इंचेस रफली यूज़ करते हैं हम इसको। कहीं पर भी अगर 100 mm लिखा हुआ है तो हम रफली कह सकते हैं कि वो 4 इंच है, उसका डायमेंशन 4 इंच है। कहीं पर अगर 300 mm है तो रफली कह सकते हैं उसका डायमेंशन 12 इंच है, मतलब 1 फीट है। तो ये इस चीज़ का भी हम ध्यान रखते हैं। तो ये हमारा जो चार रिलेशन है, इसको हमको हमेशा अपने दिमाग में बसाए रखना है। 1 मीटर इक्वल टू 3.28 फीट, 1 फीट इक्वल टू 0.304 मीटर, 1 इंच इक्वल टू
2.54 सेंटीमीटर और रफली 25 mm इक्वल टू 1 inches, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 inches इक्वल टू कितना है, 2.54 सेंटीमीटर है। तो अगर इसको हम mm में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 inches इक्वल टू 25.4 mm हो जाएगा, लेकिन रफली हम क्या लेके चलते हैं, 25 mm इक्वल टू 1 inches, मतलब कि 0.4 को हम निगलेक्ट करके चलते हैं, 0.4 mm को हम निगलेक्ट करके चलते हैं रफली। लेकिन ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, अगर हम बहुत ज़्यादा दूरी का हम डायमेंशन चेक कर रहे हैं तो हमको फिर ये वाला रिलेशन लेकर के हमको चलना होगा। तो चलिए हम फ्रेंड्स देखते हैं ये कॉलम, मान लिया इस रफली कॉलम का डायमेंशन बना लिया है, ये एक्चुअली मतलब बिल्कुल सिंपल सा कॉलम, ये कोई है नहीं एग्जैक्ट, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ज़्यादा कवर छूटा हुआ है, यहाँ पर कम, तो इससे ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए, मैंने आपको समझाने के लिए मैंने बनाया है। तो यहाँ पर कितना डायमेंशन है इसका कॉलम का, 600 × 350, किस चीज़ में है, डायमेंशन mm में है। तो इसको अगर हम इंच और फीट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसका लंबाई कितना है 600 mm, मतलब 12 inch इक्वल टू 2 feet। कैसे हुआ ये, क्योंकि 100 mm इक्वल टू 4 inch, क्योंकि 25 mm इक्वल टू 1 inch, इसलिए 100 mm इक्वल टू 4 inch, 200 mm इक्वल टू 8 inch, 300 mm इक्वल टू 12 inch, तो 600 mm इक्वल टू 24 inch, इसलिए 2 feet हो गया, 24 inch इक्वल टू 2 feet, क्योंकि 12 inch इक्वल टू 1 feet होता है, ये बात भी ध्यान से रखिएगा। और दूसरा इसका चौड़ाई देखते हैं तो कितना है, चौड़ाई क्या है, 350 mm इक्वल टू 14 inches इक्वल टू 1 feet 2 inch, मतलब कि 1 inch बराबर 1 foot बराबर होता है 12 inch, तो 1 foot 2 inch इसका चौड़ाई है। ये कॉलम का टॉप व्यू है। तो फ्रेंड्स बस आज बिल्कुल सिंपल और कम वीडियो में मैं आज इतना ही बताऊंगा कि इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल ध्यान से रखिए, याद रखिएगा, इसको कॉपी में लिख लीजिएगा और इस वीडियो को 5 बार देखिए, 10 बार देखिए, क्योंकि आदमी को एक बार लगता है कि याद हो गया है लेकिन आदमी भूल जाता है, तो इस चीज़ को आप हमेशा एकदम अपने दिमाग में बसा लीजिए। मैं आगे आपको इससे बहुत अच्छी वीडियो दूंगा, आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप बिल्कुल कुछ दिनों में एक्सपीरियंस इंजीनियर जॉब ले सकेंगे किसी भी कंपनी में। फ्रेंड्स तो थैंक यू फ्रेंड्स हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए, अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स आज ही इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और हमारे इस वीडियो पे लाइक ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, और अपने राय कमेंट में ज़रूर लिखिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।